सो गाइज, कुछ इस तरह की रील वीडियो अभी के टाइम पर इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। तो आज के इस वाली वीडियो में हम ये सीखने वाले कि कुछ इस तरह की रील वीडियो आप कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल से। सो गाइज, इस तरह की रील वीडियो बनाना काफ़ी आसान है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, इस तरह की रील एडिटिंग सीखने के लिए आपको VN एप्लीकेशन चाहिए, तो इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स, आपको VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पे आपको नीचे की तरफ प्लस वाले आइकन पर टैप कर देना है, एंड यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ न्यू प्रोजेक्ट वाले बटन पर टैप करना है। देन यहाँ पे आपकी गैलरी ओपन हो जाती है, तो आपको ऊपर की तरफ फोटो वाले बटन पर टैप करके अपनी गैलरी में से आपको अपनी मम्मी की एंड अपनी एक फ़ोटो को आपको ऐड कर लेना है, मतलब सेलेक्ट कर लेना है। देन नीचे एरो वाले बटन पर टैप करके आपको फोटो को ऐप के अंदर ऐड कर लेना है। तो हमने ये वाली फ़ोटोज ऐप के अंदर ऐड कर ली, जैसे कि देख सकते हो। तो आप अपनी और अपनी मम्मी की ऐड कर लेना। तो ये करने के बाद फ्रेंड्स, आपको इन फोटो के आगे इस ऐप का वाटरमार्क देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको इसको डिलीट कर देना है। ओके, देन यू होने के बाद फ्रेंड्स, आपको इन फोटो का रेशियो 9:16 करना होगा। तो वो ऐड करने के लिए आपको ऊपर की तरफ ओरिजिनल वाले बटन पर टैप करना है। ओके, देन 9:16, देन इस वाले रेशियो को आपको सेलेक्ट कर लेना। ओके, देन यहाँ पे आपको बैक आ जाना, तो ये कर देना। सो फ्रेंड्स, ये होने के बाद में आपको इसके अंदर म्यूजिक ऐड करना होगा। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको ऊपर की तरफ टैप टू ऐड म्यूजिक ये लिखा है, सिंपली आपको इसके ऊपर टैप कर देना है। देन म्यूजिक वाले बटन पर आपको टैप कर देना है। ओके, देन यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको माई म्यूजिक इस वाले बटन पर टैप कर देना है। ओके, देन यहाँ पे आपको एक्सटेंड फ्रॉम वीडियो इस वाले बटन पर टैप करना है, एंड आपको अपनी गैलरी में से उस वाली रील को सिलेक्ट करना है जिसमें ये ऑडियो हो, तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। सो गाइस, यहाँ पे आपके सामने दो फोल्डर ओपन होते हैं, म्यूजिक लाइब्रेरी एंड माय म्यूजिक। तो आपको इनमें से माय म्यूजिक वाले में एक्सपोर्ट कर लेना अपने साउंड को, तो मैंने इसमें एक्सपोर्ट कर लिया है। एंड यहाँ पे आपको नीचे की तरफ यूज वाले बटन पर टैप कर देना है। ओके, देन नीचे राइट वाले बटन पर टैप कर देना है, जिससे ये हमारा ऑडियो ऐप के अंदर आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हो ऊपर की तरफ ये वाला ऑडियो है, तो ऐड कर लेना। एंड ये होने के बाद फ्रेंड्स, आपको अपने फ़ोटो पर टैप करना है। आपके फ़ोटो के लिए तो आपको बड़ी कर लेनी है, तो मतलब इतनी तो बड़ी कर लेना। ओके, देन यहाँ पे आपको अपनी जो फर्स्ट फ़ोटो अपनी मम्मी की, तो सिंपली आपको इसको भी बड़ा करना होगा। अभी इसकी लेंथ है 3 सेकेंड, तो आपको इसको थोड़े से माइनस करनी होगी, तो आपको इसको करना होगा 2.60 सेकेंड। ओके, नोट कर लेना 2.60 सेकेंड, 2.60 सेकेंड इसको कर लेना अपनी मम्मी की फ़ोटो को। देन यहाँ पे आपको अपनी जो अपनी पीक है, सिंपली आपको इसको स्प्लिट कर देना अपने ऑडियो के अकॉर्डिंग। तो इसको हम यहाँ तक स्प्लिट कर लेते हैं, देन इस वाले पार्ट को आपको डिलीट कर देना है। सो फ्रेंड्स, ये होने के बाद में आपको इसके अंदर लिरिक्स ऐड करने होंगे, तो वो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे टैप टू ऐड सबटाइटल इस पर आपको टैप करना है। देन टेक्स्ट वाले बटन पर आपको टैप करना है, एंड यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ ऐड ए हेडिंग इस वाले बटन पर आपको टैप कर देना है। ओके, देन यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है जो यहाँ पे लिरिक्स थे। सो गाइस, यहाँ पे हम लिख लेते हैं द मदर। ओके, जो आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, द मदर भी लिख सकते हो, द मॉम भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं। देन यहाँ पे आपको जो इमोजी वगैरह ऐड करनी हो तो वो आप ऐड कर सकते हो, तो ये हम ये कर लेते हैं। देन यहाँ पे आपको कलर वाले आइकन पर टैप करना है। ओके, देन यहाँ पे आपको नीचे की तरफ शेडो वाले बटन पर टैप करना है। ओके, देन यहाँ पे आपको ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना है, एंड नीचे की ये जो ब्लर है इसकी है उसको आपको अंडररेट कर देना है। ओके, देन ऊपर राइट वाले बटन पर आपको टैप करना है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। एंड इसके साइज को आप छोटा बड़ा कर सकते हो, तो देख लेना आपको कितनी रखनी है। देन इसको आपको एडजस्ट करना है जहाँ आपका मन करे, तो इसको मैं एक बार के लिए ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ। देन इसकी जो ये लेंथ होती है लिरिक्स की, सिंपली आपको यहाँ तक कर देना है, स्प्लिट लगाए थे वहाँ तक कर लेना है। ओके, मतलब यहाँ तक लेना अपनी फर्स्ट फोटो के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे आपको वापस से लिरिक्स के ऊपर आपको टैप करना है, देन इसको आपको डुप्लीकेट कर देना। तो यहाँ पे दो लिरिक्स हो चुके हैं, तो यहाँ पे सिंपली आपको एक लिरिक्स के ऊपर टैप करना है, देन इधर से इसकी लेंथ को पकड़ के फुल कर देना है। ओके, एंड इधर से आपको इसको छोटा कर देना है यहाँ तक, तो यहाँ तक हम इसको कर लेते हैं। देन ये जो लिरिक्स थे सिंपली टैप करना है इसके ऊपर, देन यहाँ पे आपको एडिट वाले बटन पर टैप करना है, देन इस वाले को आपको माइनस करना है, एंड यहाँ पे आपको द डॉटर ये टाइप कर देना है।
तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं द डॉटर। ओके, जो आपको इमोजी वगैरह लगानी हो वो आप लगा सकते हो। ये लगा के आपको राइट वाले बटन पर टैप कर देना है तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, या यहाँ पे ऊपर भी कर सकते हो, जहाँ आपका मन हो वहाँ आप कर सकते हो। ओके, देन आपको बैक आ जाना है तो बैक आ जाते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी वीडियो भी रेडी हो चुकी है, बट आपको एक एनिमेशन इसमें ऐड करना होगा। तो आपको बीच ये जो दोनों फोटो हमारी, इनके बीच में प्लस वाला आइकन देख रहे हो, तो इस पर आपको टैप करना है। ओके, देन यहाँ पे आपको वाइट एनिमेशन इसको सिलेक्ट करना है। ओके, एंड इसकी जो ड्यूरेशन होती है इसको आपको रखना है 4 सेकेंड, एंड 3 सेकेंड भी रख सकते हो। देन नीचे राइट वाले बटन पर आपको टैप करना है जिससे ये अप्लाई हो जाएगा इसमें। ओके, तो ये कर देना। एंड यहाँ पे इसके साथ हमारी वीडियो भी रेडी हो जाती है। तो वीडियो को एक बार हम चेक लेते हैं वीडियो कैसी बनी है। सो गाइस, हमारी वीडियो एकदम परफेक्ट तरीके से बन चुकी है। तो ये वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर डाउनलोड वाले एरो पे आपको टैप कर देना है। देन नीचे राइट वाले बटन पर टैप करना है जिससे ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव होने लग जाएगी।